साउथ इंडियन सिनेमा के मशहूर नाम नंदमूरी तारक रामा राव की बायोपिक अगले साल यानी 2019 की शुरुआत में रिलीज होने जा रही है। फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन भी नजर आएंगी। फिल्म में विद्या बालन एनटीआर की पत्नी बासवतार कम का किरदार निभाती हुई दिखाई देंगी। लंबे समय के इंतजार के बाद फिल्म का ट्रेलर सामने आ गया है। खबर के मुताबिक 9 जनवरी 2019 को फिल्म का पहला पार्ट रिलीज हो रहा है। इस पहले पार्ट का नाम कथानायकुडू रखा गया है। रिलीज होने वाले इस पार्ट में एनटीआर के फिल्मी करियर को दिखाया जाएगा, तो वहीं दूसरे पार्ट में एनटीआर के राजनीतिक करियर को फिल्मी पर्दे पर दिखाया जाएगा। फिल्म का दूसरा पार्ट 24 जनवरी 2019 को रिलीज किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि एनटीआर आंध्र प्रदेश के 7 साल तक सीएम रहे थे। इस फिल्म में बॉलीवुड के कई कलाकार काम कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है विद्या बालन का। इसके अलावा रकुल प्रीत सिंह भी फिल्म में नजर आएंगी। खबर के मुताबिक फिल्म में रकुल प्रीत सिंह श्रीदेवी की भूमिका में दिखाई देंगी। एनटीआर का किरदार उनके बेटे नंदमूरी बालकृष्ण निभा रहे हैं। साथ ही फिल्म बाहुबली में भल्लाल देव की भूमिका निभाने वाले राणा दगुबत्ती एनटीआर के दामाद आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के रोल में दर्शकों के सामने होंगे। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।